आइए इस सवाल को देखें। रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स इज 10:12। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 12%, B 16%, C 8%, D 20%। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है, 5 साल बाद 10:12 है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ये 5 ईयर्स जो आपको दिया है ये आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया है, यहाँ पे आपको ये यूज़ नहीं है, क्योंकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पूछ रहा है। ठीक है, पर एनम पूछ रहा है, तो यहाँ पे 5 ईयर्स जो आपको दिया है इसका कोई मतलब नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट हमें दिया गया 10:12। ठीक है, तो आप प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप 10 रुपीज़ मानते हैं तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर हम 10 मान रहे हैं, अमाउंट हमारा हो जाएगा 12। अगर आप प्रिंसिपल को 100 मानते तो अमाउंट आपको कितना हो जाता, 120। ठीक है, 10 से 10 मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल 10 ले रहे हैं, अमाउंट हमारा 12। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा हमारा, अमाउंट जो होता है फाइनल अमाउंट माइनस 10, है ना, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमारे पास 12 माइनस 10 सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें, 10 रुपीज़ पे 2। ठीक है, 10 रुपीज़ पे 2 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं पर एनम की, 1 साल की बात कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड हमारा क्या है, 1 ईयर है, 5 ईयर्स नहीं। ठीक है, ये रेशियो क्या है, 10 रुपीज़ 12 दे रहा है, 10 रुपीज़ 12 कितने साल में बन रहा है, 1 साल में बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइम पीरियड 1 साल लेंगे और पर एनम की बात भी कर रहा है, तो यहाँ पे सीधे से आप सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100 वाला फॉर्मूले में आप ये वैल्यूज़ को डाल दीजिए। टाइम पीरियड लेकिन आपको 1 साल लेना है, ठीक है, 5 ईयर्स नहीं। तो टाइम पीरियड आप 1 ईयर्स लेंगे तो आपको सेम इसी सॉल्यूशन पहुँचेंगे, रेट इज इक्वल टू 2/10 × 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, रेट आपका 20%, ऑप्शन डी आ जाएगा। तो आपको समझ में आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।